कि एक बुक है उसमें लिखा गया था कि बहुत साल पहले कि 2012 में क़यामत आएगी और सिर्फ शिरिंजे विलेज पूरे अर्थ पे बचेगा, उसके अलावा पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, शेपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। डे 5 इन तुर्की है। आज हम लोग इज़मीर में, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो हम लोग पहुँचे थे इज़मीर। पहुँच के हम लोगों ने पहले तो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए क्योंकि पूरा शहर बंद पड़ा था, संडे था। लेकिन जब रात को हम ये होटल वाले एरिया में, अभी मैं होटल से चेकआउट किया लेकिन फ़िलहाल नाश्ते का प्लान है, तो फिर हम लोग इस एरिया में आए तो हमें पता लगा कि पूरे शहर की रौनक इस जगह पे है। फिर बहुत अच्छा लगा इज़मीर कि ये एक बड़ी रौनकों वाली गली है। यहाँ पे फ़िलहाल नाश्ता करेंगे, नाश्ते वाली जगह है दोस्तलार फिरिन। नहीं, मेरे साथ तुर्कियान है। क्या हाल चाल है तुर्कियान? मैं ठीक हूँ। कैसे लग रहे इज़मीर? इज़मीर का इस पार्ट मुझे अच्छा लगा, वेदर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी नाश्ता भी ट्राई कर लेंगे, लेट्स सी। इज़मीर का सबसे फेमस नाश्ता है बोयोस। ये इन्होंने इस्तांबुल तक भी लेके आया। अच्छा। बोयोस है थोड़ी सी पेटीज की टाइप है, ज्यादातर इज़मीर की लोगों ने यही खाती है। मॉर्निंग में बहुत रश है, हम भी ट्राई कर लेंगे। सही है। और मेरे साथ हुसैन है। हुसैन, क्या हाल चाल है भाई? जबरदस्त। कैसी रही नींद? बहुत अच्छी। रात तो तुम बिल्कुल ऑफ फिर रहे थे। बहुत ज्यादा नींद आई। खैर, और मेरे साथ हैं जका भाई। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है इज़मीर भाई? भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। कंपेयर टू इवनिंग। हाँ, उस टाइम कुछ अच्छी स्पॉट्स मिली नहीं थी। बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। आप देखें, आज वो तैयार होके निकले क्योंकि इज़मीर में लड़कियाँ बहुत हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पर उनको इजाजत है दूसरी की। दूसरी आएगा, मैं नहीं हूँगी ना। अल्लाह माफ करे। क्या प्लान है आज का? आज हम जाएंगे शिरिंजे गांव है, एक बहुत खूबसूरत, वहाँ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्पॉट होएगा बोधरूम। ठीक है, जो हम कल इस्तांबुल से निकले थे, आपको पता है बोधरूम के लिए निकले थे लेकिन इज़मीर आके रुके, तो आज हमारी एंड डेस्टिनेशन आज की है बोधरूम, लेकिन उसके बीच में तीन चार जगह से होते हुए जाएंगे। फिलहाल इस जगह से हम लोगों ने नाश्ता करना है दोस्त लारे पे। चलो चलो भाई, कहाँ से जाना है? बहुत फ्लेवर है, हमने चूज करना पड़ेगा कौन सा लेना। कैफे में बोयोज का फुल माहौल लगा हुआ है। बोयोज जो है एक, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में चकोरी होती है जिसके अंदर चिकन या बीफ या वो कीमा भरा होता है और हम लोग खाते हैं फ्राई हुई, है वही चीज़, ऑलमोस्ट शेप वही है। उसको ये इतने वो बना के गोल गोल, उसके अंदर कीमा, चॉकलेट, स्पिनच, डिफरेंट तरह की है वो बना के, फिर ये उसको ओवन के अंदर डालते हैं, मतलब वो एक ट्रे में भरते हैं। जिस तरह यहाँ पे ब्रिक ओवन के अंदर बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, सेम उसी तरह ओवन के अंदर लकड़ियाँ चल के, आग चल रही होती है, उसके अंदर डालते हैं। वो उसके अंदर रेडी होता है हल्की सी हीट के ऊपर काफ़ी देर में, मतलब बेक होता है एक तरह से, तो ये बेक्ड है। वो बेक करके फिर वो बाहर निकलती हैं पूरी पूरी ट्रेज और वो यहाँ पर फिर सर्व होती हैं। हम लोगों की बोयूज़ तकरीबन रेडी हैं और यहाँ पर सर्व करने का तरीका, किसी ये प्लेट में सर्व नहीं करते आपको, ये इसी तरह, ये थैंक यू सो मच तशक्कुर इधर, इस तरह से सर्व करते हैं और लेके आप अपने टेबल पे बैठ जाओ। हम हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें सबसे पहले बोयोज है। इसमें हमने तीन चार तरह के लिए, एक मतलब मीट वाला है, स्पिनच वाला है, चीज़ वाला भी लिया है, चीज़ वाला भी लिया है, ये चिकन, ये चॉकलेट वाला आ गया, वो मिल्क वाला आ गया, साथ में टर्किश हमारे पास भी आ गई। ये जो अंडे हैं ये बड़ी स्पेशल चीज़ है यार, ये अंडे इन्होंने ओवन के अंदर बनाए, मतलब ये बेक्ड अंडा है, बॉयल्ड नहीं है ये। हमारे पास साथ में ऑलिव्स हैं, साथ में चीज़ है, मैंने टर्किश कॉफ़ी ली है, इन लोगों ने टर्किश टी ली है। ये तोड़ के देखना पड़ेगा कि ये कौन कौन से हैं। ये तो खाली है। है ये कौन सा है? ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है। ये स्पिनच है, ये स्पिनच अंडा, डिटो पेटिस टेक्सचर है ऊपर, जिस तरह वो बेक हुआ है, पेटिस भी हमारे बेक होते हैं, जो कचोरी चकोरी जो होती है वो फ्राई होती है, तो वही चीज़ है। ये तो है चकोरी यार। सेम चकोरी, आलू ले, गोभी ले, मटर ले। अच्छा यार, इज़मीर जो है वो इस्तांबुल से थोड़ा डिफरेंट है और है ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न सिटी है, मतलब यहाँ पे एक तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो वो बच्चे पढ़ने बहुत आते हैं, तो उसी रौला पालो पहले। उसके अलावा ये यहाँ पे यूरोपियन टच आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब ये इस्लाम के ज़्यादा करीब नहीं है ये लोग,
मस्जिदें कम है इस्तांबुल से। इस्तांबुल से तो मस्जिदें हर जगह भी कम है, इस्तांबुल में तो आपको हर गली में यहाँ पे क्लब ज्यादा मिलेंगे। हाँ यहाँ पे क्लब हाँ, मैंने मतलब कल शाम से हम लोग फिर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई स्काफ वाली लड़की या कोई इस तरह वो मतलब चीज नहीं नजर आती है। यूरोपियन कल्चर को बहुत ज्यादा उसी चीज के अंदर ही है अडॉप्ट कर लिए, ग्रीस इनके पास है ये वो चीजें तो वहाँ से बहुत लोग आते हैं, यहाँ से वहाँ बहुत लोग जाते हैं। ड्राइविंग सीट पे आ चुका है भाई और हम लोग निकल चुके हैं। सबसे पहले हमारा स्टॉप क्या होगा? शिरिंजे विलेज। कितनी दूर है तुर्कान? 85 किलोमीटर फ्रॉम इजमीर। तो हमारा पहला स्टॉप इजमीर से होगा शिरिंजे, 85 किलोमीटर। और टाइम कितना बता रहा है? 1 आवर। शिरिंजे का हिस्ट्री बहुत मजे का, जाके देखते हैं। सुना है कि वो तुर्की के खूबसूरत तरीन गाँवों में से एक है, सबसे बेस्ट, सबसे खूबसूरत गांव है तुर्की का। तो वो हमारे जो जका भाई हैं ये टेनिस प्लेयर हैं प्रोफेशनल। कितनी बार विन किए हैं आप ओवरऑल पाकिस्तान में? क्या All किया पाकिस्तान यूनिवर्सिटी चैंपियन है 5 साल से थे, 2014 से 19 तक। माशाल्लाह ये 2014 से 19 तक ऑल पाकिस्तान टेनिस चैंपियन है। और उसके बाद फिर इस्तांबुल आ गए तो अभी यहाँ पे भी इनका वो प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद आप एजिसन में भी पढ़ाते रहे लोगों को टेनिस वेनिस कोचिंग करते रहे? क्या बात है, आपके पास ऑप्शन है, पैसा है, इन्वेस्ट करनी है, फॉरएवर रहना है, आपने इस्तांबुल में इन्वेस्ट करके रहेंगे और इजमिर में इन्वेस्ट करके रहेंगे? अगर मैं अपने आप को देखूं, देखो अगर अभी फिलहाल एकदम से मैं आऊंगा ना पाकिस्तान से निकल के, सोच के है, छोड़ दो सोच के, देखो अभी अगर मैं इस उम्र में आऊंगा तो मैं इस्तांबुल में रहूंगा। हाँ। अगर मैं थोड़ा सा कोई 35+ जाके आऊंगा ना तो मैं फिर कहूंगा मुझे इजमीर में रहना। खत्म हो गया, मैं जीत गया, ठीक है इसके बाद और मेरे कोई सवाल नहीं है। नहीं वो तो हमें वैसे ही पता ही, लड़की के साथ डिबेट होती नहीं है। हाँ वो हमें पता है इस चीज का, तो वो आप जीती हुई ऑलरेडी। हाँ यस, क्योंकि आपने होटल भी हमें कल आपने ढूंढ के दिया, हमें नहीं मिल रहा था। ऑडियंस का पता चलेगा, ये तीनों डिसीजन देती है ना, मैं कुछ नहीं बोलती उस डिसीजन के ऊपर, मुझे पता है गलत है। अगर मैं उसके ऊपर बोल दूँ ना, वो कहेंगे अच्छा आपको नहीं पता, नहीं हम ऐसा कर लेंगे। कल इन्होंने एयरबीएनबी की कोशिश में था, मैंने कहा ठीक है देखने दें, मैं बहुत थक गया था, मैंने कहा ठीक है मैं काम पे जाओ सो जाती हूँ। इन्होंने गरी पार्क में छोड़ के हमने पूरा लगेज लेके सारी एक लंबा रास्ता तक लगेज के गई, होटल पसंद नहीं आया, हम इनको लेके टैक्सी से वापस गरे के पास आ गया। उन्होंने उधर बैठा, मैंने कहा तुर्कान आपने थोड़ी सी काम करनी है। हमने वो अलसंजक पे गई, मुझे एक होटल नज़र आया, मैंने डायरेक्ट होटल के अंदर घुस गया, मैंने कहा देखिए हमको कमरे चाहिए, फिर कमरे की मसला मैंने सॉल्व किया। हाँ। इसी ट्रिप में भी इंशाल्लाह पूरा मसला मैं सॉल्व करूंगी अगर ये लोग मेरी बात सुनेगा। मेरी बात नहीं सुनते हैं। नहीं ये बात तुर्कान की बिल्कुल ठीक है कि असल में मैं और जका भाई और हुसनैन हम लोग जो है ना वो इस ताड़ में थे कि हमें एक पूरा अपार्टमेंट मिल जाए उसके अंदर हम लोग, ताकि सुकून से रह सकें, उसमें किचन विचन हो ये वो। तो वो हमने कल इसलिए छोड़ दिया कि यार 6 घंटे सोना है तो होटल ले लेते हैं। वो तुर्कान ने होटल बहुत अच्छा ढूंढा, बड़े अच्छे एरिया के अंदर ढूंढा। But in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. Oh, even though हम लोग हाईवे से मुड़े हैं विलेज के लिए और ये रास्ता जो है गांव जा रहा है। अभी हम काफ़ी चढ़ाई पे आ गए हैं, ये पहाड़ के ऊपर है गांव और रास्ता बीच बीच में से अक्सर जगह पे लगता है कि नथिया गली के मोड़ है, लेकिन अभी पहाड़ के बहुत ऊपर आ गए तो आपको ये हाइट ज़्यादा नहीं इस पहाड़ की लग रही, वरना बीच में बहुत स्टीप एक दो मोड़ आए थे अभी। ये शिरिंजे पहाड़ के ऊपर बना हुआ मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था सिंपल एक गांव है और गांव तक पूरी सड़क जाती है। ये गांव तो यार प्रॉपर इन्होंने बड़ी शॉप्स वगैरह बनाई हुई है, चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे लोग फिर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि वो सामने बाय द वे ऊपर जो घर नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअल गांव है और ये उसका बाजार टाइप है, यहाँ पे लोग फिर रहे हैं सारे। ओए पीछे गाड़ी पार्क करने की ऑप्शन है लेकिन हमारे मौलवी साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं गाड़ी भी चलते हैं, गाड़ी फिर चलते हैं। अब गाड़ी पे पूरे बाजारों के अंदर हम फिर रहे हैं जो कि वॉक करने वाली जगह करेंगे वॉक भी। क्या चीज़
यहाँ तो पूरी शॉपिंग का माहौल बना हुआ है। ट्रक लेफ्ट गया है, लेफ्ट गया। नहीं वहाँ नहीं वापस। ये मस्जिद है श्रींगे जामी। गाड़ी ले आए हैं गांव के अंदर, अब यहाँ घूम गए ना। अगर मैंने कहा उधर ही छोड़ दो, मैंने भी यही कहा था। मौलवी साहब ही कह रहे थे, मौलवी साहब कह रहे थे कि नहीं जाना है गाड़ी में। वो एक ट्रक जा रहा है, वो गांव में जा रहा है। उतरी एक और आ गया आगे। ट्रालियां इधर गांव के अंकल भी पैंट शर्ट पहनते हैं। वाकई गांव वाले ट्राली वाले अंकल ने पैंट शर्ट पहनी हुई है। वो देखो अंकल, अंकल हंस रहे हैं, अंकल हंस रहे हैं। ये गाड़ी लेके आए श्रिंजे विलेज। और कल पूरा दिन बारिश थी, आज हमें थोड़ा बहुत बादल शादल चाहिए थे, तो आज फुल ऑन धूप निकली हुई है। इधर पीछे सारा इस तरफ जो है वो इन्होंने दुकानें वगैरह बनाई हुई है। अभी हम लोग उस तरफ वॉक करेंगे, लेकिन निकलते ही जो मुझे एक गोए दी जड़ी बो आई है ना, उतो मैंने पता लगे कि मैं पिंड आ गए। ये देखो नीचे सारा यहाँ पे गोबर शोबर पड़ा हुआ है। ये बोर्ड लगाए हुए, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है? गाड़ी खड़ा करना मना है। गाड़ी खड़ी करना मना है इसके आगे। अच्छा, इसके आगे गाड़ी नहीं। ये तो पूरा वो डेरा टाइप इन्होंने बनाया हुआ, लेकिन अंदर कोई जानवर अभी खड़े नहीं है। गुज्जर साहब का डेरा। यार नाश्ते की किसी को है थोड़ी बहुत तलब? नहीं, मेरी है। बिल्कुल भी नहीं आपको है? है। क्या बात है, पहले हम नाश्ता करते हैं कहीं बैठ के, फिर आगे चलेंगे। सुबह किया था, वो क्या था? सुबह को नाश्ता था। हाँ, कचोरियाँ चकोरियाँ छे छे हम वैसे ही खा लेते हैं, फिर खाना खाते हैं बाद में। 250, 350, 450 बुनान से 200 से स्टार्ट होते, लेकिन हमारी काम पर नहीं। तो हम ये देख क्यों रहे हैं? मुझे क्या पता, वैसे आंटी आए, मैंने पूछा। ये यार वाइन वोडका टाइप जो बॉटल्स हैं उनका इन्होंने कूलर बनाया हुआ है। कूलर या जो भी उसे कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे बॉटल लगा के वो आंटी ट्यूटोरियल दे रही हैं। बॉटल लगा के फिर वो उसकी टूटी खोलते हैं तो वो सब चलता है। वो देखो आंटी ने बॉटल लगाई हुई और नीचे से ये है जी गांव के हकीम, इन्होंने जड़ी बूटियों से ये चीज़ें बनाई हुई हैं जो आपकी सेहत के किसी भी चीज़ के लिए, मतलब वो आप इनको जो भी बताओगे वो उस हिसाब से इनमें से कोई चीज़ आपको दे देंगे। ये मतलब हकीम टाइप ही हैं। साथ में इन्होंने फ्रेश फ्रूट वगैरह रखा हुआ है। ये कोई और फूल टाइप है, ये भी किसी काम आते होंगे। अंकल से ही अपना माहौल बना के बैठे हैं। इधर भी इसी चीज़ का स्टॉल है। The history of this village is very weird. मतलब बड़ी अजीबोगरीब हिस्ट्री है इसकी। वो ये सीन हुआ कि एक बुक है उसमें लिखा गया था कि बहुत साल पहले कि 2012 में क़यामत आएगी और सिर्फ श्रींजे विलेज पूरे अर्थ पे बचेगा, उसके अलावा पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो 2012 में जब मतलब लोगों को पता लगा कि अच्छा वो वाला टाइम आ चुका है, तो श्रींजे विलेज पूरा भर गया था। इतनी यहाँ पे इतने लोग आ गए थे, उसके अलावा मतलब दूर दूर तुर्की के और शहरों से, अब किसी और मुल्कों से आए थे कि नहीं मुझे इस चीज़ का नहीं पता, तुर्की के बहुत शहरों से लोग श्रींजे विलेज आ गए थे कि यहाँ पे क़यामत मतलब जब आएगी सब तबाह होगा, तो यहाँ इस जगह को कुछ नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता ये स्टोरी असल है कि नहीं, एक बुक में लिखा गया था और उसके बाद 2012 में ये चीज़ एक्चुअल हुई थी। उसके बाद ये विलेज जो है वो इतना मशहूर हो गया था कि मतलब श्रींजे विलेज की ये एक बड़ी वियर्ड सी स्टोरी है। ये आपको कंफर्म है कि वो बुक में जो लिखा गया था तो 2012 में एक्चुअली लोग आए थे यहाँ पे? मैं आपको बताती हूँ, हाँ 21 दिसंबर 2012 में अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ऑफ माया उन्होंने कहा दुनिया में क़यामत हो जाएगा, बस श्रींजे वाला की ब्रिज में नहीं, विलेज में नहीं होगा, इसलिए लोग इधर आ गए 21 दिसंबर 2012 में। और फिर ये गांव मशहूर हो गया, फिर लोग इधर आना बहुत स्टार्ट किया। उन्होंने कहा अच्छा हम इधर, इवन इन्होंने घर वगैरह भी खरीद लिया। अच्छा, सारी दुनिया ख़राब होगा, हम इधर ही रहेंगे। फिर बाद में इतना, ये पहले इतना मशहूर नहीं था,
इसी चीज की बात बहुत ज्यादा मशहूर होना स्टार्ट जाहिल लोगों के जाहिल खरे के ये गांव मशहूर हो गया, फिर लोग यहां पे अब एज ए टूरिस्ट आते हैं। इन्होंने ये पूरे गांव के अंदर एक बाजार बड़े खूबसूरत बना दिए और अभी आपको ड्रोन शॉट भी नजर आएगा। गांव है बहुत खूबसूरत, ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर घर बने हुए बड़े प्यारे, एक ही सीक्वेंस के अंदर एक ही कलर पे, मतलब छतें उनकी डार्क ब्राउन है और घर के कलर जो है वो लाइट ब्राउन है। लेकिन यार बाजार में बहुत एंटीक सी पीसेस हैं और ये गांव की कोई खासियत वाइन में भी है ना, ये वाइन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, वाइन बहुत ज्यादा है क्योंकि ग्रेप्स वाइन सारी वो यहाँ बनते हैं, इधर से बनती है, असली बनती है। हाँ, इनकी इनकी वाइन की बॉटल्स जो हैं वो चीज़ें भी मेरे ख्याल इनकी अपनी कोई स्पेशलिटी है, यहाँ पे वाइन बनती है। गोरे जो है वो स्पेशल इस चीज के लिए भी इस गांव में आते हैं। How are you? Thank you very much. How are you? I'm good. This house is all onyx natural stones and all of them is a Turkey made in Golan. अच्छा जी, ये यहाँ पे शॉप है, इनके पास सारा मार्बल और स्टोन की चीज़ें बनी हुई पड़ी हैं और सारा मेड इन टर्की है। अब यहाँ पे ये मार्बल के अंगूर चेक करो यार, ये मतलब इतने असली लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि ये घर में पड़े हों बड़े प्यारे लगे। मेरे वर्ग का बंदा तो किसी के घर जावे तो पे हूँ मैं तो खा जाए बाद दंद टूट जाए अलग गाल ले। ये यहाँ पे सेब पड़े हुए हैं, उसके अलावा ये देखो ये इन्होंने पिरामिड्स की शेप में घड़ी बनाई हुई है और इतनी खूबसूरती के साथ ये मतलब बहुत एंटीक चीज़ें लग रही हैं मुझे पड़ी हुई। अब यहाँ से अगर मैं सही तरह लेके जा सकता ना ये चीज़ें तो अपने घर के लिए मैंने बहुत कुछ यहाँ से उठा लेना था। ये चेक करो यार, watching the TV screen, now we're just betting on broken dreams, nobody's gonna come and save us, we cash in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. बड़ा एक प्यारा सा हमें ये वाइन शॉप नज़र आई है, इसका मतलब डिज़ाइन चेक करो, हर तरफ वाइन 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 पड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। हराम है अलग बात है, वो हम इसलिए इसको छू भी नहीं सकते। यार कितना मतलब ये बहुत आर्टिस्टिक सा लग रहा है, बॉटल्स इस तरह पड़ी हुई हैं सामने, ये सारी बॉटल्स हैं इन्होंने इस तरह लगाई हुई हैं, इधर बॉटल्स हैं इधर बॉटल्स हैं और हेलो, और ये नॉन अल्कोहलिक शैम्पेन, नो अल्कोहल दिस कोकोनट एंड ब्लूबेरी लाइम एंड मिंट। ये आंटी क्या ट्राई करवा रही हैं, एक मिनट, ये इसका ड्रिंक हम पी रहे हैं ना, वो फिट है, हनी डाल के इसकी कोई ड्रिंक हम पी रहे हैं तब से, शैम्पेन शरबत, अच्छा इसमें थोड़ी सी डाल के और एक लीटर पानी, ओए होए चेरी चेरी है ना, ब्लूबेरी रेड बेरी ब्लूबेरी रेड ब्लूबेरी, ओए होए ये तो शरबत बना, पानी डालो और ये रेडी हो जाएगा। आंटी बहुत चौकस है। ये कॉफी बन रही है टर्किश, ये क्या चीज पड़ी हुई है नीचे, ये सैंड, सैंड है ये, गर्म होगी इसमें बनेगी ना, हाँ। नीचे आग चलती है ऊपर ये सैंड है, उसमें इन्होंने टर्किश कॉफी के कप रखे हैं और अब उसको घुमा रहे हैं कि इस तरह से कॉफी रेडी होती है इनकी, जज्वे ओए ओए होए 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 होए, इस कॉफी की थिकनेस का फैन हो गया हूँ मैं। कॉफ़ी पहुंच चुकी है, पहले प्लान था हमारा कुछ खाने पीने का लेकिन खा पी नहीं रहे क्योंकि अगर खाएंगे पिएंगे लेट हो जाएंगे, थोड़ा आगे निकलना है। अभी आंटी ने कॉफ़ी बनाई है और ऐसे प्रॉपर थे के ऊपर बबल्स साथ में, ये क्या चीज़ है भाई, ये मुझे आप ज़रा बता दें इसका, फ्लावर उन्होंने उसी फ्लावर से शरबत बना दिया। अच्छा, फ्लावर से शरबत बना दिया, बहुत टेस्टी ट्राई। तुर्किश कल्चर में मैं इसको बताओ, सारे लोग कहती है कि कॉफ़ी के साथ क्यों पानी आती है, इसका एक रीज़न है, ये है ओथमान एम्पायर की टाइम से आती है। अगर आप किसी के घर पे जाती थी ना उस टाइम, मैं भूख हूँ मुझे खाने दे, उनको वो शर्म की बात था। उन्होंने भी ऐसे सिस्टम बनाया है कि कॉफ़ी के साथ उन्होंने पानी भी लेके आती है। अगर आपने पहले पानी पीती है इसका मीनिंग है
मैं भूख हूँ. अगर मैं पहले कॉफ़ी पीती हूँ इट मीन्स कि मैं भूख नहीं हूँ, मैं बस कॉफ़ी पीऊँगी. अगर मैंने पानी पिया तो घर का ओनर वो किस किस घर हमने गई वो कॉफ़ी की बात एक अच्छे से खाना भी रेडी करके लेके आती है. अच्छा, इसका सिस्टम ये है. मैं भी पहले पानी पी ये तो पूरा शरबत है, ये तो पूरा मीठा, मतलब बहुत रिफ्रेशिंग है ये तो. हाँ, वेरी सिट्रिक एंड स्वीट कॉफी जो हमारे सामने सैंड में तैयार हुई है. ओए होए 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 होए, कोई लेवल है इस कॉफी का. अच्छा, टर्किश कॉफी जब आप पी रहे होते हैं ना तो आपको साथ साथ उसके अंदर वो एक पाउडर टाइप फील होता है, जर्रे जर्रे जर्रे, जिस तरह मिट्टी का टेक्सचर सोच लो. जैसे एक पाउडर की जैसे रहती है ना, हम इसको लेके ऐसे फेस में एज ए मास्क के लिए लगाते हैं. लगाती हैं. ये यहाँ पे एक आंटी हैं, ये हाथ से जो है ना वो स्वेटर वगैरह बनाती हैं. और ये इस तरह के स्वेटर हैं आंटी के. हाँ, आंटी को तुर्क्यान ने एज पूछी थी, आंटी को नहीं पता कि इनकी क्या एज है, बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है. यहाँ पे भी ये गांव की आंटियाँ जो हैं वो बैठ के स्वेटर बना रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें बना रही हैं आंटियाँ बैठ के. ये लोकल आंटी हैं सारी गांव की. ये देखो, ये आंटी भी बना रही हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बना बना के लगाए भी हुए हैं. छोटी छी मानो विधि, यहाँ पे ये छोटी छोटी मानो विधियाँ इस तरह ही घूमी फिरी थी. इधर देखो मानो मानो मेरी, मानो मेरी बिडी. इतनी प्यारी प्यारी बिल्लियाँ यहाँ पे. यार मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगी, जितने भी मुल्कों में फिर रहा हूँ यहाँ पे जानवरों को तंग नहीं किया जाता, बल्कि एक इंसान से ज़्यादा अहमियत दी जाती है. तो वो इतने ईजी हो कि इनके लोगों के बीच में फिर रहे होते हैं कि वो हिलते भी नहीं है अगर आप उनको प्यार कर रहे हो, गुजर रहे हो. अच्छा भाई, गाँव में गुजारे तकरीबन कोई ढाई घंटे, ऑलमोस्ट ढाई पौने तीन घंटे हो चुके हैं. अच्छा, मैंने ज़्यादा देखा है कि जो मोस्टली गोरे आ रहे हैं वो वाइन के लिए आ रहे हैं स्पेशली. मुझे गांव, मतलब गांव दिल के ना ऐसे ठा करके ऊपर लगा क्योंकि पीछे पहाड़ों का व्यू है. सवारी निकल चुकी है जी बॉथरूम के लिए. और बॉथरूम, बाथरूम, बाथरूम, बेडरूम, काफ़ी कुछ बनता है इससे. अच्छा, अभी बॉथरूम रास्ते में. टाइम अभी क्या हो चुका है, 7:46 हो चुके हैं ऑलरेडी. स्टॉप 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 स्टॉप. ये अंकल का दुकान देखा पीछे देख के. कौन से अंकल का दुकान? इधर से वापस यू टर्न लेना. गुजरते गुजरते कोई चीज़ नज़र आई है, वो पता नहीं क्या चीज़ नज़र आ गई है, वो देखने के लिए रुके हैं अभी. ओए, ये कितना खूबसूरत एरिया यार. किसी जगह रुक के देखो ना तो पता लगता है कि वो जगह कितनी प्यारी है. क्या मिल गया आपको? आपका टॉपिक की जैसे मिला मुझे. क्या? यू विल लव इट. या अंकल खुद बारबेक्यू बनाते. अच्छा, रोड साइड ढाबा है ये तो यार, एक्चुअली रोड साइड ढाबा. ओहो, अंकल क्या बना. अस्सलाम वालेकुम. अभी तुर्की के रोड साइड ढाबे हम लोगों को मिला एक ढाबा, और यहाँ पे अंकल बना रहे हैं कोफ्ते शीश तो. होए होए, सलाम अभी. क्या, अस्सलाम वालेकुम. लैंप लगाती है और हमने कोफ्ता लगा दिया. क्या क्या बनवा, ऑर्डर कर दिया आपने? कर दिया. क्या? लैंप शीश एंड कोफ्ता. ओह, लैंप शीश और साथ पड़ा है कोफ्ता. और आंटी बना रही हैं. ओए होए 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 होए. अच्छा जी, ये अंकल, ये आंटी. अच्छा अच्छा, उसका भाई है चोबान. अच्छा, ये अंकल है चोबान. चोबान बोलते है ना वो बहन से का और बकरे का
वो खाने के लिए ऐसे लेके जाती है। अच्छा चराहा। हाँ चराहा। कुर्बान दे कुर्बान दे। हाँ वही काम करती है वो। अच्छा। बरीद में सेल करने के लिए। सही है। ये आंटी हैं, ये आंटी के हस्बैंड बैठे हुए हैं, ये आंटी के दामाद हैं और बाकी ये पूरी आंटी की फैमिली है, ये कसाब हैं। तो ये पूरी फैमिली ने मिलके एक रोड साइड ढाबा बनाया हुआ है और अगलों के पास वीगो डाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक इधर खड़ा हुआ है, एक पीछे खड़ा हुआ है। यही मजे हैं रोड ट्रिप के कि जहाँ दिल करे रुक जाओ। हमारे पास इस टाइम क्या क्या है? सबर नहीं होता तुर्कियान से। ये क्या है सबसे पहले? सबर मुझसे भी नहीं हो रहा। लैम शीश। आपने ले था, ये थोड़ा ठंडा हो गया। ये इससे ट्राई कर लो, ये अभी आया। इन्होंने सर्व ऐसे किया जिस तरह एक प्रॉपर किसी फैंसी रेस्टोरेंट के अंदर सर्व की जाती हैं चीज़ें। लैम चीज़ का पहले वाला तो वो ठंडा हो गया था। अच्छा है। हाँ वो प्रॉपरली लैम का फ्लेवर है और इसके अंदर इवन नमक तक नहीं है। अभी मैं ट्राई करने लगा हूँ जी चिकन। चिकन आंटी ने बनाए चिकन स्टेक्स पूरा, क्योंकि वो ग्रिल उन्होंने लगाई हुई है, उसके ऊपर वो लैम चिकन जो भी चीज़ है वो रखते हैं। चिकन देखने में प्रॉपरली जूसी शाइनी। ये कितना फ्रेश है यार। बट ये ना मुझे लगता है इनको पता तक नहीं है कि मसाला होता क्या। वो अलग बात है, इन्होंने यहाँ पे मिर्चों का पाउडर रखा हुआ है, बट इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब इसके सिर्फ चिकन का टेस्ट है और ग्रिल का एक टेस्ट है। रूम चेक इन हो चुका है। रूम पिक्चर्स जैसा नहीं निकला, नॉर्मल है, बट व्यू के पैसे हैं। खूबसूरत पूल, खूबसूरत व्यू यार, क्या बात है। इस तरफ कोई पार्टी चल रही है, बड़े धूम धमक की आवाज़ें आ रही हैं। हेलो, सही रूम ले लिया आपने? लें जी, इस खूबसूरत व्यू के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाइयों को दुआओं में याद रखना है, बहन को भी, वो भी अंदर गई हुई है। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। और अभी रात के हो चुके हैं 11:36। हम लोग सुबह कितने बजे निकले थे? 10 बजे निकले। ऑलमोस्ट हम 10 बजे निकले। पूरा दिन हम सफ़र में रहे। अल्लाह हाफिज़।